नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे किस तरीके से हम ऑटोकैड के अंदर आर्क कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं आर्क ड्रॉ करने के लिए। बेसिकली जो आर्क होता है वो एक पार्ट है सर्किल का, और उसे ड्रॉ करने के लिए ऑटोकैड में बहुत तरीके हैं। फर्स्ट है, अगर हम यहाँ से आर्क पे जाते हैं तो इतने तरीके के से हम जनरली आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। लेट सपोज हम फर्स्ट ड्रॉ करते हैं थ्री पॉइंट आर्क। लेट सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ किया, अभी मुझे इसके थ्रू एक आर्क ड्रॉ करना है, तो हम फर्स्ट थ्री पॉइंट आर्क पे गए। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करने होंगे तीन पॉइंट, तो हमने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई किया और थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई किया। तो इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ हो सकती है। हमें यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है, हमने ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया, ये सेकेंड पॉइंट ले लिया और कहीं जाके हम थर्ड पॉइंट ले रहे हैं, तो वो उस वे में आर्क ड्रॉ नहीं हो पाएगा जो हम चाहते हैं। तो प्रॉपरली अगर आर्क ड्रॉ करना है इस लाइन के बिहाफ पे, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट अगर करते हैं तो यहाँ पे भी ये ड्रॉ नहीं होगा। अगर हमें प्रॉपरली चाहिए तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, तो इस तरीके से हम थ्री पॉइंट आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड रेडियस। लेट सपोज कि हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, और हमें इसके बीच में एक आर्क ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट एंड रेडियस पे जाएंगे। हम मानते हैं कि ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, इसके बीच में हम जो रेडियस रखना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लेट सपोज 60, एंटर। तो ये इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ हो जाएगा। लेट सपोज हम इसको इंक्रीज कर देते हैं 100, यहाँ से यहाँ तक लेट सपोज मुझे 120 का एक डायग्राम चाहिए था आर्क। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट एंड रेडियस में नीचे से स्टार्ट करके ऊपर जाएंगे तो वो नीचे के साइड हमें ड्रॉ मिलेगा आर्क इस तरीके से। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड एन एंगल। अगर इसी पे ही लेट सपोज हम आर्क ड्रॉ करते हैं, एक ये लाइन है हमारे पास और एक लेट सपोज ये लाइन है, अभी हमें इन दोनों के बीच में एक आर्क ड्रॉ करना है विद एंगल, तो हम स्टार्ट एंड एंगल पे गए, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, देन हम एंगल देते हैं, लेट सपोज हम देना चाहते हैं 45 डिग्री एंगल, 40 डिग्री का एक एंगल। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, अगर हम एक स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट विद एन एंगल ऑफ लेट सपोज 55 एंटर, तो ये हमारा एक आर्क ड्रॉ होगा। और अगर हम डायरेक्शन के थ्रू करना चाहते हैं, तो हम स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट किया एंड किया, और डायरेक्शन अगर हमें चाहिए, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये डायरेक्शन आ रहा है, मुझे अपोजिट डायरेक्शन चाहिए था, तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो डायरेक्शन हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कंट्रोल रिलीज करेंगे तो डायरेक्शन अगेन चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए या तो सिंपली हम माउस को इस्तेमाल कर सकते हैं अप एंड डाउन साइड, तो ये हम डायरेक्शन के बिहाफ पे कर सकते हैं। लेट सपोज अगेन हम स्टार्ट करते हैं विद डायरेक्शन, मुझे करना था क्लिक किया और अंदर, तो
इस तरीके से हम विद डायरेक्शन भी यहाँ पे आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। लेट सपोज जैसे हमें सिविल्स के अंदर डायग्राम्स के अंदर एक डोर बनाना है, तो लेट सपोज हम एक सिंपल डोर करते हैं कि हमें 3 फीट का एक डोर चाहिए और उसका जो विड्थ भी है 3 फीट चाहिए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैं एक आर्क को शो करूँ, तो उसके लिए हम स्टार्ट एंड रेडियस पे जाएंगे और यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आर्क कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हम 3 पॉइंट आर्क बना सकते हैं, स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट एंड एंगल एंड स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो जनरली हम इतने तरीके के आर्क का इस्तेमाल करते हैं अपने ऑटोकैड के अंदर। वैसे बहुत तरीके दिए गए हैं, जैसे कि सेंटर, स्टार्ट, एंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा सेंटर, देन अगर हमें लेंथ देना है तो कंट्रोल प्रेस करके हम लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं, देन क्लिक। तो ये हमारा एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ हो गया। तो आई होप कि आपको आर्क कमांड अंडरस्टैंड हुआ होगा, किस तरीके से हम आर्क कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। थैंक यू।